मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने को। इकोनॉमिक्स में आप पनीर पे तो जीएसटी दे रहे हो। Wait a minute. Who are you? बड़ी, आपके फादर आए हैं। कांतारा एक ऐसी फिल्म जिसने कर्नाटक में तो केजीएफ के रिकॉर्ड्स तो तोड़े ही पर हिंदी बिग बजट मूवीज को भी कड़ी टक्कर दी। पूरी इंडिया ने इसे भर भर के प्यार दिया, मगर ना तो इसमें कोई लार्जर देन लाइफ हीरो है और ना ही इसमें ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस है। तो ऐसा क्या है इस फिल्म में कि इसने ओटीटी के जमाने में लोगों को थिएटर में खींच लिया? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो इस फिल्म का देर से रिव्यू करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कांतारा का मतलब मिस्टीरियस फॉरेस्ट। कहानी कुछ ऐसी है कि राजा ने गांव वालों को जंगल का एक बड़ा सा टुकड़ा दे दिया और गांव वाले भी जंगल की नैसर्गिक संपत्ति की देखभाल करने लगे। पर एक दिन एक ऑफिसर वहां आकर कहता है कि वो जमीन सरकार की है और उसके बाद गांव वालों और सरकारी ऑफिसर्स में जो संघर्ष होता है वही इस फिल्म में दिखाया गया है। ये स्टोरी 1890, 1970, 1990 ऐसे तीन कालखंडों में घटी सत्य घटनाओं पर आधारित है। कर्नाटक राज्य का केराडी गांव इस फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और एक्टर ऋषभ शेट्टी का होम टाउन है। केराडी गांव में 1990 में इस गांव के लोग और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बीच में जो संघर्ष हुआ था वही इस कहानी का इंस्पिरेशन है। कंबाला नाम से फेमस ऐसी भैंसों की रेस एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इस फिल्म में दिखाई गई है। इसमें ऋषभ शेट्टी ने अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म किए हैं। इसका हीरो मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान है जो मार खाता है, हारता है पर लड़ना नहीं छोड़ता। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आंखों को तृप्त करने वाली थी। विजुअल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। नैसर्गिक सौंदर्य बहुत ही अच्छी तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई फिल्म देख रहे हो। इस फिल्म में एक सामान्य गाँव के लोग और उनकी ग्राम देवता के प्रति आस्था पर फोकस किया गया है। इसमें दिखाया गया है विष्णु के वराह अवतार, पंजुर्ली भगवान की आराधना और इसमें दिखाया गया डांस फॉर्म जो भूत कोला नाम से फेमस है, जो ग्राम देवता और पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। वो इतने रियलिस्टिक अप्रोच के साथ दिखाया है कि वो आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। इस फिल्म के म्यूजिक का भी काफी बोलबाला रहा। बी अजनीश लोकनाथ ने इसे बैकग्राउंड स्कोर दिया है जिसमें कर्नाटक और तुलुनाडु में बनने वाला फ्लोक म्यूजिक, रोंगटे खड़े कर देने वाला अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट डीडीजेरुडू और कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का फ्यूजन किया गया है। उसी के साथ साथ तुलुनाडु में जो लोक गीत गाए जाते हैं उन्हीं को इस फिल्म में एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है। कांतारा में हमें एक संस्कृति दिखती है जो जंगल के आसपास होने के बावजूद वक्त के साथ साथ बदल दिया है, पर इसके रूट्स वहाँ के लोगों के दिल में काफी अंदर तक जमे हुए हैं। इसका क्लाइमैक्स देखकर तो आप दंग रह जाओगे। क्लाइमैक्स काफी ज्यादा अच्छा था। कांतारा के रूप में केराडी जैसे छोटे से गांव की कहानी केवल इस देश में ही नहीं तो पूरे विश्व भर में पहुंच गई। 100 करोड़ का बजट, तगड़ी स्टार कास्ट भी जो ना कर सकी वो 20 करोड़ में बनी कांतारा ने कर दिखाया। इसके सिर्फ दो ही कारण है, पहला रियलिस्टिक अप्रोच और दूसरी ओरिजिनल स्टोरी। अगर रेटिंग्स की बात करें तो मैं इसे देना चाहूंगा 5 out of 5 स्टार्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, कीप स्माइलिंग।